नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज बतवे का रायता बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बतवे का रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम बतवा और 200 ग्राम दही लिया है। अब इस बतवे को हम 3 से 4 बार पानी से साफ कर लेंगे और इसे कुकर में उबाल लेंगे। एक सीटी लेंगे कुकर में और दही को हम फेंट लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम फेंट लेंगे। ये हमने दही को फेंट लिया है और बतवे को उबाल लेंगे। ये हमने बतवे को उबाल के तैयार कर लिया है, अब इसे हम पीस लेंगे। आप चाहो तो बिना पिसा भी डाल सकते हो और इसे पीस के भी डाल सकते हैं, तो पिसा हुआ ज़्यादा बढ़िया लगेगा, इसलिए मैं पीस रही हूँ। ये हमने बतवे को पीस लिया है, अब इसे हम दही में डालेंगे। अब इसमें मसाले डाल देंगे, स्वाद अनुसार लाल मिर्ची डाल सकते हो, मैं 1/4 चम्मच से भी कम डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच सिका हुआ जीरा और इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें हम धूनी देंगे, तो धूनी के लिए मैंने लिया है कोयला। अब इसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। इस कोयले को गर्म होने देंगे। इस पे ये कोयला गर्म हो गया, अब गैस बंद कर देते हैं और प्लेट के पीछे हमने ये जो आटा गेहूं लगाते हैं चपाती का, वह इसे इस तरह से चिपका देंगे और इस कोयले को इस पर रख देंगे और अब इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी इस तरह से डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे, 2 मिनट ढका हुआ रहने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, इसमें धूनी का फ्लेवर आ गया है। ये हमारे बतवे का रायता बनके तैयार हो गया है, अब इसे आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।